साथियों, एक क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बार बार पूछा जाता रहा है कि हम अपनी एजुकेशन डिस्टेंस से करें या फिर प्राइवेट से करें, किसकी डिग्री की वैल्यू ज्यादा होती है, कहाँ से क्या बेनिफिट होते हैं। तो ये क्वेश्चन बार बार कमेंट में पूछा जाता रहा है। तो साथियों, यदि आप भी डिस्टेंस से पढ़ाई कर रहे हैं या प्राइवेट से कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि एक एक पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि किसकी डिग्री वैल्यू ज्यादा होती है, कहां से क्या बेनिफिट होते हैं और कहां से आपको पढ़ाई करना सही रहेगा। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों, सबसे पहले जान लेते हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन कौन यूनिवर्सिटी करा सकती है और प्राइवेट एजुकेशन कहां से कराते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइवेट की। तो प्राइवेट जो हम करते हैं, प्राइवेट होता है जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है, तो उसमें हर साल प्राइवेट के फॉर्म निकलते हैं, तो वहां से आपके प्राइवेट एजुकेशन होती है। अब यदि हम डिस्टेंस की बात करें, तो डिस्टेंस का अप्रूवल जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी होती है उनको भी मिलता है। लेकिन याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि सभी यूनिवर्सिटीज को, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उन सभी को डिस्टेंस का अप्रूवल है। बहुत कम यूनिवर्सिटीज हैं जिनको डिस्टेंस का अप्रूवल मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, उत्तर प्रदेश में मात्र 5 यूनिवर्सिटी है जिनको डिस्टेंस का अप्रूवल मिला हुआ है। ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं, तो आप इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ कि किसकी डिग्री की वैल्यू ज्यादा है। तो साथियों, अब हम बात करते हैं कि प्राइवेट की डिग्री की वैल्यू ज्यादा होती है या फिर डिस्टेंस की। तो साथियों, देखिएगा, जब हम प्राइवेट से करते हैं तो प्राइवेट होती है स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से। यानी कि जब आप सपोज डेट, जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, तो CCS यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में है, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी आपका कानपुर में है, इसी टाइप से दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर में है। तो इस टाइप से जब इनसे प्राइवेट हम करते हैं, तो जो मार्कशीट आती है वो आती है इन यूनिवर्सिटीज की। जैसे CCS यूनिवर्सिटी से करेंगे तो CCS यूनिवर्सिटी की आएगी, दीनदयाल उपाध्याय की आएगी, CMJ की आएगी। तो वहां पर वो क्या है, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का टैग लगा हुआ है, तो वहां पर आपके कोई भी सवाल खड़े नहीं होते हैं। अब जब आप डिस्टेंस एजुकेशन से करते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं, तो फिर चाहे वो कितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटी हो, तो वहां पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है कि आपने डिस्टेंस से करा है, तो डिस्टेंस में कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में आप जाते हैं तो कि आपने उस यूनिवर्सिटी से किया है, हम नाम नहीं लेंगे, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो जाते हैं। तो आपके लिए यानी कि बेटर यही रहेगा कि आप प्राइवेट से करें। दूसरा बेनिफिट ये है, जब आप प्राइवेट से करते हैं तो प्राइवेट में जो आपकी फीस होती है वो बहुत कम लगती है, यानी कि डिस्टेंस से भी कम फीस होती है। सबसे कम फीस होती है वो होती है प्राइवेट की। यानी कि जैसे हम BA की बात करें, तो BA की फीस जो होती है वो 1500 मैक्सिमम उसकी फीस होती है, डिस्टेंस में ये फीस थोड़ा ज्यादा होती है। अब ऐसा नहीं है कि जो आपके फायदे हैं वो आपके प्राइवेट से ही हैं, डिस्टेंस के कोई बेनिफिट नहीं है। अब डिस्टेंस से पढ़ाई करने के क्या बेनिफिट है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही ये जो दो बेनिफिट थे, ये थे हमारे प्राइवेट के। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस एजुकेशन के क्या बेनिफिट है। तो साथ ही जब हम डिस्टेंस एजुकेशन करते हैं, तो उसमें हमें साथ के साथ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है या हमारी ऑनलाइन क्लासेस चलती हैं। लेकिन आपका प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है, प्राइवेट में सिर्फ हमारे एग्जाम होते हैं, लेकिन डिस्टेंस में आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, आपको ऑनलाइन क्लासेस भी कुछ यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड करती हैं। तो पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट है, आपको जब प्राइवेट डिस्टेंस एजुकेशन से आप करते हैं, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको प्लेसमेंट का भी ऑफर करती हैं, यानी कि प्लेसमेंट के लिए भी वो आपको बुलाती हैं जब यूनिवर्सिटी कैंपस में आप उनकी प्लेसमेंट होती है। लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं है, वहां पर कोई प्लेसमेंट का आपके लिए कोई ऑप्शन नहीं होता है, यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई प्लेसमेंट आपको प्रोवाइड नहीं की जाती। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण एडवांटेज ये है कि जब आप डिस्टेंस या प्राइवेट से किसी से भी आप करें, तो गवर्नमेंट में कहीं पर भी ये आपका नहीं लिखा हुआ होता है कि आपने प्राइवेट से किया हुआ है, आपने डिस्टेंस से किया हुआ है या आपने रेगुलर से किया हुआ है, ऐसा कहीं पर भी कोई चीज मेंशन नहीं होती है। आप प्राइवेट से करें, डिस्टेंस से करें, आप रेगुलर करें, सिर्फ और सिर्फ बस इतना होना चाहिए कि जिस भी यूनिवर्सिटी से आप करें, जिस भी आप उस चीज से करें, डिस्टेंस से करें, रेगुलर से करें आप या प्राइवेट से करें, तो वो यूनिवर्सिटी वैलिड होनी चाहिए, उस यूनिवर्सिटी के पास उस चीज का अप्रूवल होना चाहिए। जैसे कि आप डिस्टेंस से कर रहे हैं तो उसके पास में DEB का अप्रूवल होना चाहिए, यानी कि डिस्टेंस लर्निंग का अप्रूवल होना चाहिए। आपकी जो डिग्री की वैल्यू है पूरी की पूरी आपकी दोनों सभी डिग्रीज की वैल्यू सेम होगी। तो गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो देखा जाता है कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए है कि आपने डिस्टेंस से कराया तो वहां पर तो इसी तरीके से होता है, वहां पर तो ऐसे ही बच्चे पास हो जाते हैं। तो ये और सिर्फ कहानी है प्राइवेट सेक्टर की, गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा कुछ
नहीं है। तो साथियों ऑलमोस्ट मैंने आपके जितने भी डाउट थे प्राइवेट और डिस्टेंस को लेकर वो क्लियर कर दिए हैं, दोनों के ही आपको एडवांटेज मैंने आपको बता दिए हैं। तो आप अब अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।